नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं लाता हूं आपके लिए इलेक्ट्रिकल वीडियो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है ऑटो रिक्लोजर रिले। ऑटो रिक्लोजर रिले किसी भी सबस्टेशन प्रोटेक्शन में, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में एक फंक्शनलिटी है जिसके कारण ब्रेकर ऑटोमेटिक रिक्लोज होता है फॉल्ट एक शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड फॉल्ट के लिए। चलिए तो इसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, इस बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली रियली में क्या है। ओके, ये ऑटो रिक्लोजर रिले क्या लॉजिक है इसका, कैसे ये ऑपरेट होता है, हम डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये बे कंट्रोल यूनिट है, बे कंट्रोल यूनिट रिले है, इसी के अंदर ऑटो रिक्लोजर रिले फंक्शनलिटी है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, 7979 जो है इसका MC कोड है। मैंने स्कीम में भी आपके साथ डिस्कस किया था, सबसे पहले जो ब्रेकर के टाइम, जब वॉल्यूम 4 जब हम इसके पहले वाला जो वॉल्यूम था वॉल्यूम 4, उसमें मैंने डिस्कस किया था सर्किट ब्रेकर कंट्रोल सर्किट में कि एक ब्रेकर कैसे क्लोज होता है। जैसा कि स्कीम में मैंने दिखाया था कि देखिए ये यहाँ पर CV40352 है, मतलब ये ब्रेकर का कंट्रोल क्यूबिकल बॉक्स है और ये साइड ये रिले पैनल है। ओके, तो आपको मैंने बताया था कि किस तरह से TNC स्विच के द्वारा मैनुअल आप कमांड देंगे ताकि जो ब्रेकर है वो रिमोट क्लोज हो जाए, और दूसरा जो ऑप्शन था आपके पास वो PCU था, राइट। बे कंट्रोल यूनिट रिले मतलब जितने सारे एक बे के अंदर जो भी इक्विपमेंट है वो जो कंट्रोल करता है रिले वो है BCU, और BCU से किस तरह से कमांड जा रहा था। देखिए यहाँ पर लिखा है 40352 क्लोज। आप मेरे माउस पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है, आई प्रॉमिस। तो यहाँ पर देखिए कि अगर ये रिले कमांड दे रहा है क्लोजिंग का, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ट्रैवल ऐसे करेगा, इस 52ACX जो रिले है, ऑक्सिलरी रिले है, इसको पिक करेगा और इसके जो ऑक्सिलरी एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट हैं यहाँ से पॉजिटिव एक्सटेंड होके आगे एक्सटेंड हो जाएगा इसे कॉन्टैक्ट से, और ये डायरेक्ट रिमोट क्लोज करेगा। लेकिन हमारे पास तो वो ऑप्शन है कि हम TNC और BCU रिले से या फिर स्कैडा में बैठे बैठे हम डायरेक्ट क्लोजिंग कमांड ब्रेकर को दे रहे हैं, दैट इज़ ओके। बट अगर लाइन में फॉल्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट फॉल्ट, एक फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड फॉल्ट होता है, बहुत ही मिली सेकेंड के लिए होता है, तो उस स्थिति में क्या है, लाइन तो ट्रिप कर जाएगी, प्रोटेक्शन तो आपका सेंस करेगा, प्रोटेक्शन सेंस करेगा, लाइन ट्रिप हो जाएगी, ज़्यादा देर आउटेज रहेगा तो रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका कहीं ना कहीं कॉमर्शियल रूप से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित कर सकता है, आपके प्रोडक्शन लाइन को प्रभावित कर सकता है। तो उस फंक्शनैलिटी को यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ऑटो रिक्लोजर रिले है उस चीज़ को सेंस करता है कि नहीं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन फॉल्ट था, एक ट्रांजिएंट फॉल्ट था एक टाइम, और उस ट्रांजिएंट फॉल्ट को वेट करके ये पुनः फिर से ब्रेकर को क्लोज कमांड देता है कि भाई साहब अब फिर से क्लोज हो जाइए, फॉल्ट क्लियर हो चुका है। ओके, और इस तरह से ब्रेकर क्लोज हो जाता है और लाइन आपकी बनी रहती है, पावर कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है और इस तरह से एक रिलायबिलिटी मेंटेन होता है। तो चलिए, ये तो मैंने बताया आपको कि ऑटो रिक्लोजर होता क्या है, चलिए डिटेल में आपके इसके बारे में मैं बता दूँ आपको कि किस तरह से ये मतलब क्या है और कैसे ये काम करता है। आपको बता दूँ कि जो ओवरहेड जो लाइन्स है उसमें जो फॉल्ट है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो होता है ट्रांजिएंट फॉल्ट, जो अभी मैंने बताया आपको कि फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जैसे कुछ मिली सेकेंड के लिए होता है, जैसे कुछ चिड़िया बैठ गई या फिर जैसे बिजली कड़क रही हो, बिजली लाइटनिंग के कारण या फिर हवा के झोंके आई और किसी वजह से थोड़ी देर के लिए, बहुत ही मिली सेकेंड के लिए फॉल्ट जो हुआ उसे ट्रांजिएंट फॉल्ट कहते हैं। दूसरा जो होता है सेमी परमानेंट, और तीसरा परमानेंट। ओके, तो सेमी परमानेंट क्या होता है, सेमी परमानेंट में मान लिया कि किसी जंगल से लाइन जा रही है और किसी पेड़ की जो टहनी है, ब्रांच है, वो किसी तरह से गिर गया। ओके, थोड़ी देर के लिए गिरा और क्या हुआ कि वो एक तरह से फ्लैश ओवर होगा, जैसे ही गिरेगा शॉर्ट सर्किट होगा और फ्लैश ओवर होगा, वो बर्न हो जाएगा, राइट, जल जाएगा। जलने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक खत्म हो गया फॉल्ट, जल गया, इसका मतलब क्या, अब तो कोई शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है नहीं, तो गिर गया, तो वो सेमी परमानेंट है, मतलब परमानेंट है नहीं, थोड़ी देर में जलने के बाद वो खत्म हो गया, मतलब एक वेट करोगे आप, थोड़ी एक टाइम डिले दोगे तो वो जल जाएगा, क्लियर। तीसरा जो होगा वो है परमानेंट फॉल्ट। ओके, तो परमानेंट फॉल्ट में क्या हो गया, जैसे ब्रोकन कंडक्टर, आपका जो कंडक्टर है, लाइन जो जा रही है वो कंडक्टर टूट गया, या फिर लाइन गिर के कहीं ग्राउंड से टच कर रहा हो, या फिर जो ट्रांसमिशन लाइन आप देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइन पे जो कंडक्टर लगा होता है तो वो एक डिस्क इंसुलेटर के सपोर्ट से लगा होता है, अगर आपका वो डिस्क इंसुलेटर पंक्चर है
तो उसके वजह से भी अर्थ फॉल्ट परमानेंट हो सकता है। तो उस स्थिति में ना लाइन पे ट्रोलिंग करके फाइंड आउट उसको करते हैं कि लाइन में कहाँ फॉल्ट है और किस वजह से परमानेंट फॉल्ट है। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि फॉल्ट तीन प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांजिएंट फॉल्ट आपने समझ लिया, सेमी परमानेंट भी मैंने एक्सप्लेन किया एंड परमानेंट। तो 80 से 90% जो फॉल्ट होते हैं ना वो ट्रांजिएंट फॉल्ट होते हैं, मतलब बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो फॉल्ट होता है, ओके। एंड 10 से 20% जो फॉल्ट होता है वो या तो सेमी परमानेंट होता है या फिर परमानेंट होता है, ओके। ये तो रहा कि फॉल्ट, ये फॉल्ट था और इस स्थिति में क्या होना चाहिए। तो हम अभी आपको मैंने बताया कि ट्रांजिएंट फॉल्ट की स्थिति में ही ऑटो रिक्लोजर ऑपरेट करता है। सेमी परमानेंट में भी एक टाइम डिले सेट होता है उसमें कि इतनी देर बाद आपको ऑपरेट करना है, अगर वो टाइम डिले इलैप्स करता है तो ऑटो रिक्लोजर ऑपरेट नहीं होगा और फिर वो एक परमानेंट फॉल्ट में काउंट होगा, ओके। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि एक ऑटो रिक्लोजर रिले को, जैसे मैंने अभी दिखाया भी आपको कि ये बीसीयू रिले है, देखिए पे कंट्रोल यूनिट रिले, और इसमें आपको ऑटो रिक्लोजर की फंक्शनलिटी है। ये 79 जो देख रहे हैं ये साइड LED है, यहाँ पर जो डिटेल्स लिखे हुए हैं 79 रिक्लोज्ड। अगर ऑटो रिक्लोजर रिले, मतलब इसके अंदर ये बीसीयू रिले के अंदर में ही ऑटो रिक्लोजर की फंक्शनलिटी दी हुई है, अगर ये PCU ऑटो रिक्लोजर कमांड पे ब्रेकर को कमांड देता है रिक्लोज होने के लिए, तो ये LED ग्लो हो जाएगी, ओके। यहाँ पर साइड में ऑप्शन देखिए कि 79 रेडी, मतलब ऑटो रिक्लोजर रेडी, मतलब सब कुछ, मतलब रिक्लोज करने के बाद फॉल्ट आई, थोड़ी देर में क्लियर हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन था, ब्रेकर को कमांड दिया, कमांड देने के बाद फिर से ये रेडी रहता है, मतलब एकदम तैनात रहता है, रेडी रहता है कि अब अभी भी अगर शॉर्ट ड्यूरेशन फॉल्ट, ट्रांजिएंट फॉल्ट आया तो मैं कमांड दे सकता हूँ, क्लियर। यहाँ पर आउट ऑफ स्टेप है, आउट ऑफ सर्विस है, अगर आउट ऑफ सर्विस है तो ये LED ग्लो होगी, ओके। 79 लॉकआउट या ब्लॉक, आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, मतलब आप नहीं कर सकते, ब्लॉक वो खुद ब खुद होगा, अभी मैं डिस्कस करूँगा उस पर कि कैसे ब्लॉक होता है, ठीक है ना। क्योंकि बार बार देखिए, एक बार फॉल्ट आ गया, दोबारा फॉल्ट आ गया, तीसरा बार फॉल्ट आ गया, तो एक बार दो चांस वो लेगा, ओके, तीसरा बार इसको ब्लॉक कर देगा, तीसरा बार भी अगर फॉल्ट आ रहा है और लाइन ट्रिप हो रही है, हमारा ब्रेकर ट्रिप हो रही है, तो उस कंडीशन में रिले उसको ऑटो रिक्लोजर फंक्शनलिटी को ब्लॉक कर देगा कि नहीं, बार बार ऑटो रिक्लोजर मत हो, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं परमानेंट फॉल्ट है और हमें उसको क्लियर करना चाहिए, ओके। तो इस स्कीम में हम डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑटो रिक्लोजर की फंक्शनलिटी है, मैं जूम करके आपको उस पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखिए ये BCU रिले है आपका, BCU ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था 40352 क्लोज, यहाँ से तो रिमोट क्लोज कमांड जाता है, ओके। उसके नीचे देखिए CV ऑटो रिक्लोज, मतलब ये BCU रिले ऑटो रिक्लोजर कमांड भी देता है, अगर ये ऑटो रिक्लोजर कमांड देगा तो यहाँ से ये डायरेक्ट जाएगा और ये सर्किट ब्रेकर के कंट्रोल क्यूबिकल बॉक्स में जाएगा, ओके। तो ये फंक्शनलिटी है, उस वॉल्यूम 4 में मैंने डिस्कस भी किया था सर्किट ब्रेकर कंट्रोल सर्किट में, आपने अगर नहीं समझा है तो वॉल्यूम 4 को देखिए, बहुत डिटेल में मैंने समझाया था के बारे में, क्लोजिंग सर्किट के बारे में, ये ऑटो रिक्लोजर के फंडा के बारे में मैंने कहा भी था कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मैं उस पर बना रहा हूं, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज को, यहां पर तो ये तो स्कीम है, ये स्कीम है कि किस तरह से बीसीयू रिले एक वायरिंग के थ्रू, हार्डवायर वायरिंग के थ्रू कमांड दिया ब्रेकर को, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस लॉजिक पे ये ऑटो रिक्लोजर, जो ये बीसीयू रिले है, ऑटो रिक्लोजर कमांड देता है, कुछ ना कुछ लॉजिक है, ऐसा है, ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी कुछ हुआ, फॉल्ट हुआ या कुछ भी हुआ तो वो डायरेक्ट कमांड दे देगा, उसके एक लॉजिक है, और क्या लॉजिक है, क्या इंटरलॉक्स है, वो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आइए हम डिस्कस करते हैं कि किस स्थिति में ऑपरेट्स होता है। तो मान लीजिए कि ट्रांजिएंट फॉल्ट है, ओके। मेरे माउस पॉइंटर पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बहुत ही बेहतर रूप से, बहुत ही मजेदार चीज़ है, आप एकदम इसको समझने वाले हैं। अगर रिले को लेके माइंड में कभी भी डाउट हो रहा हो या ऐसा लगता हो कि रिले इज द वास्ट थिंग, देन दैट इज नथिंग, ओके। आप एकदम कूल माइंड होकर लास्ट तक समझिए, बहुत मजा आएगा। तो ये ट्रांजिएंट फॉल्ट है, ओके। जब ट्रांजिएंट लाइन ऑफ फॉल्ट, ट्रांजिएंट फॉल्ट हुआ तो उस स्थिति में क्या होगा, ये ना क्या है, एक तरह से हमने ग्राफ बनाया है, क्लियर। किस तरह से समझने के लिए हमने ग्राफ बनाया, कैसे, सिंगल शॉट ऑटो रिक्लोज स्कीम ऑपरेशन फॉर ए ट्रांजिएंट फॉल्ट। देखिए एक ही बार, मतलब शॉट लेगा वो जो रिले है ना, एक ही बार शॉट लेगा कि लाइन में अगर फॉल्ट आई है तो एक ही बार शॉट ब्रेकर को क्लोज कमांड देगा। उस स्थिति में क्या होगा, चलिए डिस्कस करते हैं। हमने एक्स एक्सिस को टाइम ले लिया और वाई को ले लिया इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट, ओके, फॉल्ट ले लिया, ओके। फॉल्ट और टाइम के बीच में हमने ग्राफ बनाकर दिखाया आपको, क्लियर, कैसे, देखिए ट्रांजिएंट फॉल्ट हुआ, ओके, प्रोटेक्शन ऑपरेट किया,
मान ले एक लाइन में ट्रांजिएंट फॉल्ट हुआ तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले सेंस करेगी कि हाँ भाई लाइन में फॉल्ट है। ओके, जब फॉल्ट है तो इस स्थिति पे, इस कंडीशन पे, इस इंस्टेंट पे, इस तत्क्षण समय में फॉल्ट हुआ। यहाँ पर आप एरो का मार्क देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी है इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट। ओके, तो ये क्या हुआ, ऑपरेटिंग टाइम, ये थोड़ी देर टाइम लेगा, मतलब जैसे ही कमांड देगा थोड़ी देर, मतलब मेरा थोड़ी देर कहने का मतलब 5 मिनट 10 मिनट नहीं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज द ऑपरेटिंग टाइम। ओके, तो इतनी देर में क्या हुआ, रिले सेंस किया और वो क्या किया, कमांड दिया। किसको कमांड दिया, किसको कमांड दिया, ट्रिप कॉइल को, ब्रेकर में कमांड जाएगा, क्या जाएगा, पॉजिटिव एक्सटेंड होगी। जैसा कि कैसे कैसे एक्सटेंड होगी पॉजिटिव, ये स्कीम में मैंने डिस्कस किया है, आप वॉल्यूम 4 मेरा देखिए, ज़्यादा बेटर रूप से समझेंगे। ओके, तो पॉजिटिव एक्सटेंड हो गई किसको, ट्रिप कॉइल को, तो ट्रिप कॉइल यहाँ पे इनर्जाइज हुआ, राइट। तो जैसे ही ट्रिप कॉइल इनर्जाइज हुआ तो यहाँ पर ऊपर में आप देखिए, यहाँ पर लिखा है ऑपरेट्स, मतलब यहाँ पर जैसे ही इनर्जाइज हुआ मतलब वो ऑपरेट, ठीक है, ऑपरेट। अब ये तो आपने समझ गया कि यहाँ से ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना। अब ट्रिप कॉइल जब इनर्जाइज हुआ तो अंदर डिटेल में जाइए, जब इनर्जाइज हुआ तो क्या हुआ भाई, ओपनिंग टाइम, मतलब इनर्जाइज होने के बाद क्या करेगा वो, प्लंगर को क्या करेगा, पुल करेगा। जैसे ही प्लंगर को पुल करेगा स्प्रिंग डिस्चार्ज होगा और कॉन्टैक्ट्स उसके सेपरेट हो जाएंगे। तो इस इंस्टेंट टाइम पे कॉन्टैक्ट आपके सेपरेट होते हैं। ब्रेकर के अंदर जो दो कॉन्टैक्ट होता है ना, एक मूविंग कॉन्टैक्ट एंड एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। ओके, तो वो मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो गया अंदर ब्रेकर में। ओके, इस पॉइंट पे, तो जितनी देर में ये खुला उसको हम ओपनिंग टाइम कहेंगे। ओके, अब ये कॉन्टैक्ट सेपरेट हुआ, तो जब दो कॉन्टैक्ट सेपरेट होंगे सर्किट ब्रेकर के अंदर, जो कॉन्टैक्ट सेपरेट होंगे तो आर्क तो डेवलप होंगे, होंगे कि नहीं। आर्क जब डेवलप होंगे तो आर्क क्वेंचिंग तो होना चाहिए। तो आर्क क्वेंचिंग, जैसे SF6 सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि SF6 गैस होता है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस, जो कि आर्क को क्वेंच करता है, आर्क को एक्सटिंगस्ट करता है, तो आर्क को खत्म करता है। एक तरह से कहिए कि आर्क डेवलप ही होने नहीं देता, उसके अंदर खा जाता है, अवशोषित कर लेता है आप कह सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट जब जैसे ही सेपरेट हुआ तो उसके अंदर में आप एक चिंगारी टाइप चर ऐसा करके एक चिंगारी टाइप देखेंगे, आप वीडियो भी देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको कि लाइव कंडीशन में जब कॉन्टैक्ट ओपन होता है वही एक्सलेटर तो किस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लैश ओवर होता है। तो वो जो आर्क एक्सटिंगस्ड होने का जो टाइमिंग है उसको बोलते हैं हम आर्किंग टाइम। क्लियर, ये चीज़ आप समझ रहे हो, आर्किंग टाइम। क्लियर, तो ये ओपनिंग टाइम एंड आर्किंग टाइम, ये टोटल टाइमिंग को हम बोलेंगे ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, मतलब ये ऑपरेटिंग टाइम है, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ ना, कॉन्टैक्ट्स फुल्ली ओपन हो गए, मतलब आर्क एक्सटिंगस्ड हो गया, अवशोषित कर लिया गया। जब आर्क दो कॉन्टैक्ट के बीच में अवशोषित कर लिया गया सर्किट ब्रेकर के अंदर, तो कॉन्टैक्ट्स फुल्ली ओपन हो गए, कॉन्टैक्ट्स अंदर फुल्ली ओपन हो गए, सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया। ठीक है, मतलब फॉल्टी सर्किट और हेल्दी जो सर्किट है बिल्कुल अलग हो गया, सेपरेट हो गया। क्लियर, अच्छा, जब आर्क एक्सटिंगस्ड हो गया मतलब कॉन्टैक्ट्स फुल्ली ओपन हो गया, ऐसा समझिए, तो वहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है भाई, कि जब आपने जब ब्रेकर को ट्रिप कर दिया, क्लियर, तो क्या हुआ, ऑटो रिक्लोजर जो रिले है वो क्या करेगा, उसको वेट करेगा। ठीक है, कि एक टाइम सेटिंग होती है ऑटो रिक्लोजर रिले में, कि आपको 0.5 सेकंड के बीच में, 0.6 सेकंड या 0.25 सेकंड, मतलब आपको वेट करना है। ठीक है, कि ट्रांजिएंट फॉल्ट क्लियर हो गया, उतना टाइम में क्लियर हो जाना चाहिए। अगर उतना टाइम में क्लियर हो गया तो ये ऑटो रिक्लोजर रिले जो है उस टाइम सेटिंग के बाद क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। मतलब जैसे ही प्रोटेक्शन ऑपरेट हुआ, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट हुआ, यहाँ पर ऑपरेशन कमांड दिया वो, और यहाँ पर ट्रिप का इनर्जाइज हुआ, एट द सेम इंस्टेंट, उसी समय क्या होगा, ऑटो रिक्लोजर रिले इनिशिएट होगा। कैसे भाई, रिक्लोज इनिशिएटेड बाय प्रोटेक्शन, मतलब जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले है वो क्या करेगा, रिक्लोज रिले को एक स्टेटस भेजेगा कि मैं ऑपरेट हो चुका हूँ और आप इनिशिएट हो जाओ। क्लियर, तो ये इनिशिएट हो जाता है, इनिशिएट मतलब शुरू होना, कि हाँ भाई हम शुरू हो गए हैं। क्लियर, और तब क्या होता है, यहाँ से फिर ऐसे देखिए आगे आया और यहाँ पर क्लोजिंग पल्स दिया वो, कहाँ पे, यहाँ पर बीच में, मतलब एक टाइम सेटिंग है। क्लियर, उस टाइम सेटिंग के बाद ये मैं ग्राफ में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप बेहतर रूप से समझ सको इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, क्लोजिंग पल्स दिया वो, क्लोजिंग पल्स इंजेक्ट किया। ओके, तो रिले, तो क्लोजिंग पल्स इज नथिंग बट, तो वहाँ से पॉजिटिव भेजा, जब पॉजिटिव आई, क्लोजिंग पल्स आ गया, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्लोजिंग सर्किट
इनर्जाइज होगा। क्लोजिंग सर्किट इनर्जाइज होने का मतलब क्या, क्लोजिंग कॉइल, राइट। यहाँ पर ट्रिपिंग कॉइल और यहाँ पर क्लोजिंग कॉइल, ब्रेकर क्लोज होने के लिए तो क्लोजिंग कॉइल ही होता है। आपने अगर ट्रिपिंग कॉइल और क्लोजिंग कॉइल को नहीं देखा है तो आप मेरा वॉल्यूम 4 वीडियो देखिए, उसमें मैंने दिखाया है कि पिक्स भी दिखाया है मैंने और सर्किट भी मैंने दिखाया है। अगर तब भी आप नहीं समझ रहे हो तो अगर और प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था सर्किट ब्रेकर पे कि फॉल्ट होने पर एक कैसे सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है कि किस तरह से क्लोजिंग कॉइल है और आपके ट्रिपिंग कॉइल है। ओके, दैट इज़ ओके। नाउ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो ऑटो रिक्लोजर रिले जो है वो कमांड दिया। ओके, तो क्लोजिंग सर्किट इनर्जाइज हुआ, राइट। क्लोजिंग कॉइल इनर्जाइज हो गया। जैसे ही क्लोजिंग कॉइल इनर्जाइज होता है तो क्या करेगा, वो क्लोज करेगा, कॉन्टैक्ट्स मेक होंगे, दो कॉन्टैक्ट्स क्लोज होंगे, जब फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट दोनों क्लोज कॉन्टैक्ट होंगे उसको बोलेंगे हम क्लोजिंग टाइम। जैसे यहाँ पर हमने कहा था ओपनिंग टाइम, ओके, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स सेपरेट हुए थे तो ओपनिंग टाइम, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स मेक हो रहे हैं, लग रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर क्लोजिंग टाइम हो गया, क्लियर। थोड़ी देर में क्या होगा, मतलब क्लोज जैसे ही मेक हुआ कॉन्टैक्ट्स फुल्ली क्लोज, कॉन्टैक्ट जब फुल्ली क्लोज्ड हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग पल्स टाइम। मतलब यहाँ पर क्या है ना, ऑटो रिक्लोजर रिले ने कमांड दिया और जब ब्रेकर पूरी तरह से क्लोज हो गया तो इस पूरे जो टाइम है उसको क्लोजिंग पल्स टाइम, ऑटो रिक्लोजर रिले क्या कहेगा उसको, क्लोजिंग पल्स टाइम, क्लियर। तो इस चीज को आपने समझ लिया, ओके। एक चीज रहा डेड टाइम, ओके, डेड टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, डेड टाइम एंड रिक्लेम टाइम, ओके, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि ये ऑटो रिक्लोजर में आते हैं। ये आपको डेड टाइम एंड रिक्लेम टाइम बहुत अच्छे से समझना है, तो इसलिए मैंने आपको ग्राफ दिखाया, इसको बढ़िया से समझिएगा, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। डेड टाइम क्या है भाई, यहाँ पर ब्रेकर क्या हुआ, खुल गया, क्लियर, ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन हो गए, मतलब आर्क एक्सटिंग्विश्ड हो गए। जैसे ही एक्सटिंग्विश्ड हो गए मतलब कॉन्टैक्ट फुल्ली ओपन हो गया ब्रेकर के अंदर, तो वहाँ से लेके ब्रेकर जिसमें लगा मतलब ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स मेक हुए वो जो टाइमिंग होता है ना, डेड टाइम होता है। डेड टाइम का मतलब कि ब्रेकर ट्रिप होने के बाद कितनी देर तक ब्रेकर ट्रिप रहा, वो जो टाइमिंग है ना ब्रेकर का, उसको हम डेड टाइम कहते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि ब्रेकर को हमने ट्रिप कमांड दिया, ब्रेकर ट्रिप हुआ, उसके बाद थोड़ी देर इंतजार किया ऑटो रिक्लोजर रिले के कमांड का, ऑटो रिक्लोजर रिले उसको कमांड दिया कि भाई साहब आप क्लोज हो जाओ, तो इतनी देर तो जो वेट कर रहा था, आराम कर रहा था, उसको हम बोलते हैं डेड टाइम। दिस इज वेरी क्लियर, आप इसको समझ गए। और उस पीरियड को हम सिस्टम डिस्टर्बेंस टाइम भी कहेंगे कि हाँ सिस्टम मेरा डिस्टर्ब रहा, क्योंकि भाई साहब लाइन में फॉल्ट आई है तो क्या होगा, ब्रेकर ट्रिप करेगा तो जितनी देर तक मतलब ब्रेकर खुला रहा मतलब क्या, पावर सप्लाई मेंटेन नहीं रहा तो क्या, सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम डिस्टर्बेंस टाइम ही बोलेंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ आपने समझ लिया, क्लियर, जब कॉन्टैक्ट फुल्ली क्लोज हो गया और लाइन होल्ड कर गई, मतलब लाइन फिर से दोबारा फॉल्ट नहीं हुआ और ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ, इसका मतलब लाइन होल्ड कर गई तो फिर क्या हुआ यहाँ पर, मतलब जैसे ही कॉन्टैक्ट फुल्ली क्लोज होता है ना, इसका क्लोजिंग कमांड ऑटो रिक्लोजर का एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या करता है, रिले रेडी टू रिस्पॉन्ड टू फर्दर फॉल्ट इंसिडेंट्स आफ्टर सक्सेसफुल रिक्लोजर। मतलब ब्रेकर अगर सक्सेसफुली रिक्लोज हो जाता है, ऑटो रिक्लोज हो जाता है, तो इस इंस्टेंट पे रिले फिर से रेडी हो जाता है कि भाई साहब हम तैयार हैं, अगर जैसे ही फॉल्ट आई लाइन में हम तुरंत से तैयार हैं, कमांड का वेट कर रहे हैं, अगर कोई प्रोटेक्शन ऑपरेट करता है तो हम रेडी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इनिशिएट हुआ था, तो ये इनिशिएट तब होगा जब ऑटो रिक्लोजर रेडी रहेगा, ओके, तो यहाँ पर ये रेडी हो गया भैया, हम तैयार हैं, ओके, बस हम तैनात हैं, तो इस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि रिले रेडी हो गया ऑटो रिक्लोजर के लिए आफ्टर सक्सेसफुल रिक्लोजर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये जो टाइमिंग है ना, जिस समय यहाँ पर ऑटो रिक्लोजर रिले क्लोजिंग पल्स इंजेक्ट किया, तो उस टाइम से लेके जिस टाइम रिले फिर से रेडी हो जाता है एक रिक्लोजर पल्स इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो ये जो टाइमिंग है ना, इसको बोलते हैं रिक्लेम टाइम। क्या बोलते हैं, रिक्लेम टाइम का मतलब बहुत अच्छा है, अगर देसी भाषा में समझे तो क्लेम का मतलब क्या होता है, क्लेम करना, राइट।
क्लेम करने का मतलब क्या, आप ऐसा समझ सकते हो कि क्लेम करना मतलब क्लोजिंग कमांड देना, राइट, रिक्लोज कमांड देना। रिक्लेम का मतलब क्या कि भाई साहब मतलब दोबारा से हम क्लेम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब एक ऐसा समय के बाद हम तैयार हो रहे हैं कि मेरा सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया है, अब मैं तैयार हूँ, मतलब री ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, उसी को बोल रहा है रिक्लेम टाइम। देसी भाषा में ऐसे ही समझ सकते हैं, टेक्निकली कुछ और हो लेकिन इस तरह से आप समझ सकते हैं ताकि माइंड में ज़्यादा दिन तक रह सके और बहुत ही बेटर रूप से रह सके। सो दिस इज योर डेड टाइम, दिस इज योर ऑपरेटिंग टाइम, डेड टाइम एंड रिक्लेम टाइम, द थ्री फैक्टर्स इन द ऑटो रिक्लोजर रिले इज देयर टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आप बहुत अच्छे रूप से एकदम ग्राफ में समझ गए हैं कि किस तरह से ट्रांजिएंट फॉल्ट होता है, तो किस इंस्टेंट पे फॉल्ट आया, कैसे ये ऑपरेट किया और किस तरह से ट्रिप को एनर्जाइज किया, कॉन्टैक्ट सेपरेट हुए, कितनी देर तक ओपनिंग टाइम था, कितने देर तक आर्किंग टाइम था और कितने देर तक डेड टाइम था, क्या क्लोजिंग टाइम था और किस तरह से ऑटो रिक्लोजर रिले क्लोजिंग पल्स टाइम दिया। ओके, एंड फिर से रिले रेडी हो गया, बिल्कुल। तो ये वन शॉट लिया, ठीक है ना, इसके बाद अगर दोबारा से फॉल्ट परसिस्ट कर रही है लाइन पे, तो दोबारा लाइन ट्रिप हो जाएगी। ओके, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अगर टाइम सेटिंग है कि नहीं दोबारा सेकंड हम शॉट ले सके, तो सेकंड शॉट लेगा और नहीं तो फिर उसको छोड़ देगा। ओके, उसको सेमी परमानेंट फॉल्ट कंसीडर करके फिर इंजीनियर आएंगे, देखेंगे क्या, एनालाइज करेंगे क्या फॉल्ट था नहीं था, उसके बाद फिर उसको क्लोज करेंगे लाइन को, ठीक है। अब आइए, अगर परमानेंट फॉल्ट है, मान लीजिए परमानेंट फॉल्ट है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि परमानेंट फॉल्ट है तो क्या होगा, फिर से तो क्लोज होगा नहीं, फिर से ट्रिप कर जाए, तो उस स्थिति में आपको मैं ग्राफ ये समझा रहा हूँ कि उस स्थिति में क्या होगा भाई, कैसे ऑटो रिक्लोजर रिले कमांड देगा। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर आप मेरे माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परमानेंट फॉल्ट है, कंसिडर कीजिए ये सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन ऑपरेट करता है, लाइन में फॉल्ट हो गई है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले उसको सेंस करेगी। ओके, और वो कमांड देगी, जैसे ही कमांड देगी क्या होगा, ऑपरेटिंग टाइम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसको पल्स आने में टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम अभी मैंने आपको समझाया था, दैट इज ऑल द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिली सेकेंड, करेक्ट। तो इस इंस्टेंट पे क्या होता है ना, ऑपरेट करता है, राइट, इस इंस्टेंट पे ऑपरेट करने का सेंस ये हुआ कि ट्रिप कॉइल में पॉजिटिव एक्सटेंड कर गई है, ट्रिप को एनर्जाइज हुआ तो क्या होगा, मैकेनिकल, फिर तो मैकेनिकल सेटिंग है, प्लंगर ये हुआ, स्प्रिंग डिस्चार्ज हुआ और कॉन्टैक्ट सेपरेट हो गए एकदम सेम टू सेम जिसके पहले मैंने समझाया था आपको। ओके, उसी प्रकार से है, ध्यान रखिएगा, कॉन्टैक्ट सेपरेट हो गए तो इसको हम ओपनिंग टाइम बोलेंगे, फिर क्या होगा, आर्क डेवलप होगा कॉन्टैक्ट के बीच में, आर्क एक्सटिंग्विश्ड फिर हुआ SF6 के द्वारा, क्लियर, आर्किंग टाइम इसको बोलेंगे हम। ओके, इस टोटल को ओपनिंग टाइम एंड आर्किंग टाइम को हम ऑपरेटिंग टाइम बोलेंगे, क्लियर, कॉन्टैक्ट्स फुल्ली ओपन हो गए। नेक्स्ट, फिर नीचे आइए आप, रिक्लोज इनिशिएटेड बाय प्रोटेक्शन, क्लियर, यहाँ पर ऑटो रिक्लोजर रिले है, क्लियर, जिस टाइम ये ऑपरेशन कमांड दिया उसी टाइम में इसको इनिशिएट भी कर दिया ऑटो रिक्लोजर रिले को, क्लियर, तो ये रिक्लोज इनिशिएट हुआ यहाँ पे, क्लियर, ये डेड टाइम चेक कर रहा है कितने डेड टाइम है, मतलब एक टाइम सेटिंग के बाद ही ये कमांड दे सकता है, एक टाइम सेटिंग चेक किया कि हाँ भाई इतने देर में जो फॉल्ट है क्लियर हो गया होगा, मतलब इसको तो नहीं पता ना ऑटो रिक्लोजर के कि अभी ये परमानेंट फॉल्ट है या फिर ट्रांजिएंट फॉल्ट है, तो ये तो अपने टाइम सेटिंग के हिसाब से ही चलेगा, तो उतने टाइम सेटिंग के बाद 20 मिली सेकेंड 25 मिली सेकेंड व्हाटएवर इट इज, ओके, उसके बाद ये क्या करेगा, क्लोजिंग पल्स इंजेक्ट करेगा, जैसे ही क्लोजिंग पल्स इंजेक्ट किया क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इंजेक्ट किया इस इंस्टेंट पे, जो मेरा माउस देख रहे हैं आप, ठीक है, इसके ऊपर आइए, देखिए क्लोजिंग सर्किट इनर्जाइज, मतलब क्लोजिंग कॉइल जो ब्रेकर का है उसमें पॉजिटिव चली गई है, वो इनर्जाइज हुआ, मैकेनिकल सेटिंग है वहाँ पे, स्प्रिंग डिस्चार्ज हुआ और कॉन्टैक्ट्स ओपन क्लोज होंगे, क्लियर, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स मेक हो गया, क्लियर, और ऊपर देखिए कि ये तो क्लोजिंग टाइम है, ऊपर देखिए बताया है रिक्लोज ऑन टू फॉल्ट, मतलब ब्रेकर क्लोज हुआ है, ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स को फिर से लगाया गया है ऑन टू फॉल्ट, मतलब फॉल्ट रहने पर भी लाइन में फॉल्ट है फिर भी क्लोज किया है, आपको किसी को भी नहीं पता नहीं है कि दोबारा क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है, कब पता चलेगा, जब ये कॉन्टैक्ट्स लगेगा, जैसे ही कॉन्टैक्ट्स लगेगा, कॉन्टैक्ट्स फुल्ली क्लोज हो गया इस इंस्टेंट पे, ठीक है, नीचे आइए, तो इसको क्या बोलेगा, क्लोजिंग पल्स टाइम, राइट, ब्रेकर इतना देर क्या हुआ, क्लोज हुआ, तो क्लोजिंग पल्स टाइम बोलेगा, जैसे ही कॉन्टैक्ट्स फुली क्लोज होता है, तो जैसे ही पाथ कंप्लीट होता है, फॉल्ट तो चूंकि अभी भी है, ओके, लाइन में तो फॉल्ट है ही, तो जैसे ही लाइन में फॉल्ट है, तो फिर से
करंट ड्रॉ ज़्यादा करेगा और सीटी सेंस करेगा, रिले को बताएगा, फिर से जो प्रोटेक्शन रिले है डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले वो क्या करेगा, या फिर कोई भी प्रोटेक्शन रिले ओवर करंट या जो भी है वो क्या करेगा कि फिर से ट्रिप कमांड भेजेगा। जैसे ही ट्रिप कमांड भेजा, ट्रिप क्वाइल इनर्जाइज, राइट, यहाँ पर आप चेक कीजिए, ट्रिप क्वाइल इनर्जाइज एंड ऊपर देखिए ऑपरेट, क्लियर, ऑपरेट, तो ट्रिप को इनर्जाइज हुआ, फिर कॉन्टैक्ट सेपरेट हुए, आर्क इंस्टिगेंस्ट हुआ, उसका कॉन्टैक्ट फुल्ली ओपन हो गया, सेम टू सेम ये वाला प्रोसेस के जैसा फिर यहाँ पर हुआ। ओके, जब यहाँ पर कॉन्टैक्ट फुल्ली ओपन हो गए हैं, क्लियर, तो क्या हुआ भाई साहब, ये तो क्लोजिंग पल्स टाइम था इसका, ओके, लेकिन जब कॉन्टैक्ट फुल्ली ओपन हो गया तो रिले लॉक्स आउट फॉर री ऑपरेशन बिफोर रिक्लेम टाइम हैज इलैप्स। जैसे ही रिक्लेम टाइम इलैप्स होता है, देखिए यहां से लेके यहां तक क्या था, रिक्लेम टाइम था, करेक्ट, रिक्लेम टाइम क्या मैंने आपको समझाया था, यहां पर देखिए क्या समझाया था आपको कि ऑटो रिक्लोजर रिले जो है मतलब क्लोजिंग पल्स इंजेक्ट किया, क्लोजिंग पल्स इंजेक्ट किया और ब्रेकर क्या हो गया, क्लोज हो गया। जैसे ही ब्रेकर क्लोज हो गया मतलब सक्सेसफुल रिक्लोजर हुआ, सक्सेसफुल रिक्लोज हुआ, ऑटो रिक्लोज हुआ, तो अगर सक्सेसफुल रिक्लोज हो गया तो ये एक रिक्लेम टाइम है, करेक्ट, एक टाइम के अंदर में इसे हो जाना है, उस टाइम के अंदर में ये हो गया अगर सक्सेसफुल, तो उस ब्रेकर का स्टेटस इसके पास भी आता है, ओके, इसे पता चल जाएगा कि हाँ ब्रेकर क्लोज हो गया। जैसे ही ब्रेकर क्लोज हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे रिले रेडी हो जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, ओके, कि जैसे ही अगर नेक्स्ट फॉल्ट आता है ना तो हम तैयार हैं, तो ये होने ही नहीं देता है, क्लियर ना, जब परमानेंट फॉल्ट है, आप ऑटो रिक्लोजर रिले कमांड दिया, ब्रेकर क्लोज हुआ, फिर से ट्रिप हो गया, फिर से ट्रिप हो गया, तो भाई साहब ब्लॉक हो जाना चाहिए ना, दोबारा दोबारा आप कमांड क्यों दोगे, तो ये क्या होता है, रिले उसको लॉक कर देता है कि नहीं भाई अब आपको री ऑपरेशन नहीं होना है प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, कि नहीं परमानेंट फॉल्ट है लाइन में, अगर बार बार क्लोज करोगे आप तो क्या होगा, हो सकता है सिस्टम अनहेल्दी हो जाए, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, डैमेज हो जाए, इसलिए हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं बिफोर टाइम रिक्लेम टाइम हैज इलैप्स। रिक्लेम टाइम की एक सेटिंग है, उससे पहले आपको ब्लॉक हो जाना है, आपको दोबारा रेडी नहीं होना है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था ट्रांजिएंट फॉल्ट में यहाँ पर रेडी हो जाता है, ओके, लेकिन यहाँ पर परमानेंट फॉल्ट के केस में दोबारा अगर ट्रिपिंग आई तो रिले विल लॉक आउट द री ऑपरेशन बिफोर रिक्लेम टाइम हैज इलैप्स्ड। ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज ऑपरेटिंग टाइम, डेड टाइम एंड रिक्लेम टाइम। तो यहाँ पर आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेड टाइम क्या है एंड रिक्लेम टाइम हो गया है, ओके, और किस तरह से ऑटो रिक्लोजर पल्स इंजेक्ट करता है, क्लियर, और किस तरह से ब्लॉक करता है। आपने जब देखा भी होगा कि ऑटो रिक्लोजर ब्लॉक्ड, ऑटो रिक्लोजर ब्लॉक, 79 रेडी एंड 79 ब्लॉक, जैसा कि पिक्चर में मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पर देखिए 79 रेडी, क्लियर, तो वहाँ पर रेडी होता है जो रिक्लेम टाइम है आपका, ये जो रिक्लेम टाइम है, देखिए ये रिक्लेम टाइम है, रिक्लेम टाइम यहाँ पर सक्सेसफुल अगर ऑटो रिक्लोजर हो जाता है तो ये रिले रेडी, रिले रेडी मतलब यहाँ पर पिक्चर में देखिए रिले रेडी की इंडिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, यस रिले ऑलवेज इज रेडी फॉर द ऑटो रिक्लोजर, ओके, अगर सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया तो यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेशन जलेगा रिले में, एक्चुअली जीई कंपनी का पीसीयू रिले है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का इसका पिक्चर है, ओके, सेटअप है, डिजाइन है इसका, अलग अलग सीमेंस के अलग होंगे, एवीबी के अलग होंगे, बट फंक्शनलिटी इज समथिंग दैट सेम, ओके, तो 79 रिक्लोज सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पर रिक्लोज एलईडी आएगी, अगर इसको लॉकआउट करेगा, लॉक करेगा तो यहाँ पर ये एलईडी आ गई, एलईडी ग्लो होगी, क्लियर, 79 लॉकड आउट, ओके, सो दिस वाज द पिक्चर, क्लियर, यहाँ पर ये ग्राफ है, वहाँ पर पिक्चर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ये किस तरह से लॉक हुआ, सो दिस वाज द रिक्लेम टाइम, क्लियर, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि एक ऑटो रिक्लोजर रिले का जो स्कीम ऑपरेशन है एक ट्रांजिएंट फॉल्ट के लिए क्या है एंड एक परमानेंट फॉल्ट के लिए क्या है, बहुत ही बेहतर रूप से समझ चुके हैं, ऐसा आई एक्सपेक्ट, ओके, तो हम आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लॉजिक में भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द लॉजिक कि किस किस कंडीशन पे मतलब ऑटो रिक्लोजर होता है, ओके, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ओके, लेट अस जस्ट मिनिमाइज इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। एयर लॉजिक देखिए यहाँ पे होल्ड कीजिएगा, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप एयर लॉजिक का सर्किट है, ओके, ये एयर लॉजिक का सर्किट है और ये एयर लॉजिक की जो सीट है, मैं आपको थोड़ा मिनिमाइज करके पूरी सीट दिखा दूँ कि ये किस प्रकार से है, ये पूरी सीट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर लॉजिक
और एंड गेट को यूज करके एक लॉजिक बनाया गया है कि क्या होगा एंड क्या होगा तो क्या होगा, राइट। सो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए मुझे तो जूम करना पड़ेगा भाई साहब, तभी आप इसको अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए डिस्कस करते हैं, एक मिनट। जैसे देखिए यहाँ पर ना 403 RP2 है, मेन टू रिले, ओके, रिले पैनल 2 है, ओके, दैट इज मेन टू रिले। यहाँ पर है 403 RP1, ओके, ये RP1 एंड RP2 जो है ना, ये रिले के बारे में हम अपने सीरीज, इससे पहले जो सीरीज है वॉल्यूम 4, उसमें मैंने डिस्कस किया था, ओके, तो उस चीज़ को आप समझ सकते हैं, क्लियर। तो ट्रिप फ्रॉम प्रोटेक्शन रिले, यहाँ से ट्रिप कमांड आया, ओके, एंड मेन वन रिले में ट्रिप फ्रॉम प्रोटेक्शन रिले। अगर ये मेन वन डिस्टेंस प्रोटेक्शन मेन वन या डिस्टेंस प्रोटेक्शन मेन टू रिले किसी में से एक ऑपरेट होता है, कोई सेंस करता है, ट्रिपिंग कमांड अगर आता है, तो ये और गेट है। देखिए यहाँ पर ना लॉजिक जो है ना गेट पे बनाया जाता है, और गेट जो है ना लॉजिक गेट आपको आई थिंक आई एक्सपेक्ट कि यू नो अबाउट इट, अगर नहीं पता है तो आप उसको उसके बारे में थोड़ा स्टडी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों में से कोई भी अगर एक इनपुट अगर इस गेट को मिलता है आइदर ए और ए, तो ये आउटपुट हाई हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको आपने पढ़ा होगा लॉजिक गेट में कि जैसे 1 1 यहाँ पर क्या मिलेगा 1, या 1 0 1 इस तरह से कुछ भी है वहाँ पर आउटपुट हाई होना है। एंड गेट के केस में क्या आपने देखा था कि 1 एंड 1 तभी 1 मिलेगा आपको, राइट। अगर एक 1 है एंड 0 है तो यहाँ पर आपको 1 नहीं मिलेगा, दैट इज 0 मिलेगा। मतलब एंड गेट के लिए अगर कहें देसी भाषा में समझें तो आपके पास दोनों इनपुट मिलने चाहिए, दोनों इनपुट होने चाहिए। जब दोनों इनपुट होंगे तभी वो आउटपुट को हाई करेगा, आउटपुट को हाई करेगा इन द सेंस कि आउटपुट आगे देगा, क्लियर। तो ये जो पूरा लॉजिक नेटवर्क है ये सिर्फ और सिर्फ ये ए आर जो क्लोजिंग कमांड है उसको देने के लिए है, ठीक ना। तो आप एकदम यहाँ से शुरू करते हैं ताकि आप बेहतर से समझ सके, ठीक है भाई साहब। यहाँ तो समझ लीजिए कि प्रोटेक्शन ट्रिप होना चाहिए, प्रोटेक्शन कमांड देना चाहिए। अगर प्रोटेक्शन कमांड दिया है तो क्या होगा कि आगे एक इनपुट मिल गया, किसके लिए, इस गेट को, इस एंड गेट को। और दूसरा जो है वो ये है ए आर ऑफ। ए आर ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर ए आर ऑफ और उसके बाद यहाँ पर क्या है ना एक बबल्स आगे लगा दिया है, मतलब उसका उल्टा मीनिंग ये समझेगा, उल्टा मीनिंग ये समझेगा। मतलब क्या कि ए आर ऑन कंडीशन में होना चाहिए, राइट। ए आर ऑन कंडीशन में अगर है और ये वाला इनपुट मिल रहा है, दोनों इनपुट अगर मिल गया तो ये एंड गेट के पास दोनों इनपुट आ गए, सेटिस्फाई हो गया, और ये आउटपुट हाई। आउटपुट हाई मतलब क्या करेगा, ये आगे एक्सटेंड करेगा। जैसे ही आगे एक्सटेंड करेगा तो फिर अगला कंडीशन जो चेक कर रहा है, लॉजिक जो चेक कर रहा है वो ये है कि आपका एनी वन फेज ट्रिप होना चाहिए, मतलब आर बाई बी तीनों फेज में से कोई एक फेज ट्रिप होना चाहिए, ओके। चलिए अगर कोई फेज ट्रिप हुआ है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट क्या है भाई, वन फेज सिंगल फेज ए आर सिलेक्शन। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो आपने वीडियो है अगर इसको देख नहीं पा रहे हैं तो आप उसको लैंडस्केप मोड में देखें, अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो, नहीं तो सिस्टम में तो ओके, ठीक है। तो सिंगल फेज ए आर सिलेक्शन, अगर रिले में आपका जो सिलेक्शन है वो है सिंगल फेज ऑटो रिक्लोजर सिलेक्शन का, तो ये कमांड भी आपके पास हो गया। चलिए ये यही सिलेक्शन है आपके पास, एनी वन फेज ट्रिप करता है, तो ये कमांड और ये कमांड दोनों हो गया आपका। जब दोनों कमांड अगर इनपुट आ गया तो ये आगे आउटपुट हाई करेगा, एक्सटेंड करेगा। अगर इसमें से एक कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि कोई एक फेज ट्रिप किया है, दूसरा आपका सिंगल फेज ए आर सिलेक्शन नहीं है, तो क्या है भाई, थ्री फेज ए आर सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला इनपुट यहाँ पर देखिए, एनी वन फेज ट्रिप, ये कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा क्या कि वन एंड थ्री फेज, मतलब सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों सिलेक्शन इसमें, दोनों में से कोई होता है तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों इनपुट यहाँ पर इसको मिल गया तो यहाँ से आउटपुट हाई करेगा, ठीक है, ओके। थ्री फेज ट्रिप अगर हुआ है, सिंगल फेज ट्रिप होकर मान लिया कि नहीं भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, कौन सा कंडीशन, एनी वन फेज ट्रिप, कोई एक फेज ट्रिप नहीं किया है, कोई एक फेज में फॉल्ट नहीं है, आर फेज में फॉल्ट नहीं है, वाई में, किसी में ना किसी एक में फॉल्ट होगा, तो मान लिया कि नहीं है, तीनों में फॉल्ट है एट द सेम टाइम, ट्रांजिएंट फॉल्ट जो है तीनों में है, तो उस कंडीशन में इनपुट इस ए एंड गेट को देखिए, यहाँ पर एक इनपुट मिल गया इसको और दूसरा इनपुट ये ले रहा है कि थ्री फेज ऑटो रिक्लोजर सिलेक्शन होना चाहिए रिले में, ओके। तो अगर ये दोनों इनपुट मिल गया इसको तो आउटपुट ये हाई करेगा और ये यहाँ देगा, तब जाके ए आर इनिशिएशन होगा, ठीक है।
अगर एआर इनिशिएशन हो जाता है तो आगे एक्सटेंड करेगा, डेड टाइमर चेक करेगा। खैर आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं, हम इसी पर डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला इस पे मेरा माउस पॉइंटर को देखिए, ठीक है। ये सब कंडीशन आपने चेक कर लिया। थ्री फेज अगर ट्रिप करता है और थ्री फेज एआर सिलेक्शन है तो दोनों इनपुट यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ पर एंड गेट है, आगे आउटपुट हाई करेगा, तब भी यही एआर इनिशिएशन चेक करेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अगर सिंगल फेज ट्रिप किया है, ओनली सिंगल फेज ट्रिप और थ्री फेज एआर सिलेक्शन है तो इसके पास, इस एंड गेट के पास दो इनपुट है, इधर से और इधर से, क्लियर। ओके चलिए आगे चलते हैं कि ऊपर वाले में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। जूम कर लेता हूँ, अच्छे से देखेंगे आप, देखिए तो यहाँ पर आगे चलते हैं। एनी वन फेज ट्रिप मान लेते हैं कि आर फेज में फॉल्ट है, आर फेज ट्रिप किया, ओके, और सिंगल फेज एआर सिलेक्शन है तो यहाँ पर दोनों इनपुट मिल गया एंड गेट को। आगे बढ़िए, आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं तो एआर इनिशिएशन होता है कि नहीं, अगर एआर रिले इनिशिएट होता है, इनिशिएट होगा तो आगे क्या होगा, क्या होगा, आगे एक्सटेंड करेगा। जैसे ये आगे एक्सटेंड करेगा तो यहाँ पर डेड टाइमर चेक करेगा। डेड टाइमर क्या होता है, अभी मैंने डिस्कस किया था आपको कि डेड टाइमर क्या होता है, जैसे वो डेड टाइम चेक करेगा। ये देखिए कि यहाँ पर ब्रेकर ओपन हो गया, ब्रेकर ओपन हो गया तो डेड टाइम कितने देर तक रहेगा। डेड टाइम की एक सेटिंग है, वही टाइम डिले है, वो हम टाइम सेट करते हैं, रिले को रिले में सेटिंग डालते हैं कि इतने टाइम तक आपको डेड रहना है, उसके बाद ऑपरेट करना है, क्लियर। ये क्लोजिंग इनर्जाइज मतलब क्लोजिंग कमांड देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज में आपको समझना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप, तो यहाँ पर ना डेड टाइमर है, ठीक है। डेड टाइमर में टाइम सेटिंग डाला, चेक किया कि हाँ भाई इतने सेकंड बाद आपको ऑपरेट करना है। जैसे ही टाइम खत्म होता है तो ये इनपुट आगे हाई होगा, जैसे ये इनपुट आगे हाई होगा क्या होगा, फिर एक और ये जो एंड गेट है ना, ये एंड गेट के पास दो इनपुट है, एक की सीवी रेडी या हेल्दी, मतलब सीवी हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। सीवी हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए, सीवी हेल्दी कंडीशन कहाँ से चेक करेगा, सुपरविजन रिले से चेक करेगा, ठीक है। तो ये अगर मतलब हेल्दी है तो दो इनपुट आपके पास आ गया, और ये एंड टाइमर ये एंड गेट है, आगे एक्सटेंड करेगा, ओके, आपको एक्सटेंड किया, ये और गेट है, इधर से ये कमांड या फिर इधर से ये कमांड, दोनों मिल गया या फिर एक मिला, आगे क्या करेगा, क्लोजिंग कमांड एक्सटेंड करेगा। जैसे ही क्लोजिंग कमांड एक्सटेंड करेगा क्या होगा, ये टू सीवी क्लोजिंग सर्किट, ये ब्रेकर को क्लोज कर देगा, ठीक है, ऑटो रिक्लोजर के लिए करेगा, क्लियर। ओके यहाँ से इसी पॉइंट से आपका रिक्लेम टाइम स्टार्ट हो जाता है, रिक्लेम टाइम की, हाँ भाई जैसे ही ये सक्सेसफुल क्लोज होता है उसके बाद क्या होगा कि बीसी, ये जो आपका ऑटो रिक्लोजर रिले है वो फिर से रेडी हो जाएगा कि नहीं भाई मैं रेडी हूँ, जैसा कि मैंने स्कीम में दिखाया था, क्लियर। जैसा कि मैंने स्कीम में दिखाया था कि यहाँ पे कि देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रिले रेडी हो गया, क्लियर, रिक्लेम टाइम खत्म होने के बाद। तो सेम टू सेम यहाँ पे ड्राइंग में भी, यहाँ पर लॉजिक में भी समझाया है, ठीक ना। ओके यहाँ पर आइए, प्रायोरिटी होल्ड ऑन पल्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लॉजिक इस तरह से आप समझ सकते हैं, आपके पास स्कीम होगा तो, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल स्कीम था जिसमें आप समझ सकते थे कि ऐसे ऐसे लॉजिक हैं, कंडीशन है जिस पे आपका ऑटो रिक्लोजर रिले क्या करेगा, ऑपरेट कमांड देगा। यहाँ पर रिक्लेमिंग टाइमर इन प्रोसेस, तो बाकी चीज़ें भी जो है इसके साथ चेक की जाती है, ठीक है ना, किस तरह से लॉकआउट होता है, ऑटो रिक्लोजर लॉकआउट होता है। यहाँ पर देखिए एयर लॉकआउट, जैसा कि मैंने अभी बताया था परमानेंट फॉल्ट की स्थिति में कि किस तरह से होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जैसे कि फॉल्ट हुआ यहाँ पे, क्लियर, एयर ऑफ, यहाँ पे अगर ये है तो ये देखिए यहाँ पे एंड गेट में एक इनपुट मिल गया, दूसरा इधर से ये मिला, ठीक ना। अगर आपके पास वो ड्राइंग है तो आप उसमें देखिएगा, ये लॉजिक होगा लॉकआउट का, ठीक है, और उसमें इस तरह से कंडीशन आप समझ सकते हैं। नहीं तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पर अच्छे से, तो आप उसको शायद ज़्यादा बेटर रूप से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा लॉजिक, और आई होप कि आपको समझ में आया हो, बहुत अच्छे समझ में आया हो ऑटो रिक्लोजर, और ये मेनली आपको ना क्या है कि इम्पॉर्टेंट है एक रिले के अंदर में, जिसे समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप सबस्टेशन या प्रोटेक्शन सिस्टम में कहीं काम कर रहे हैं तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर डालिए हमें, ताकि हमें इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक यूजफुल एंड गुड वीडियो। और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियो के लिए वेट कीजिए, हम आपके पास फिर से आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।